नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो दोस्तों मैं आपका एडुकेटर लोकेश शर्मा स्टार्ट करता हूं एक सीरीज को दोस्तों मैंने जैसा कि लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था कि हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम वीक में कुछ वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे विल बी अ शॉर्ट कंसेप्चुअल वीडियो ठीक है तो ये कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई मैजिकल ट्रिक वीडियो नहीं है दीज आर सम कंसेप्चुअल वीडियो इनकी एक अलग से हम प्ले फॉर्म भी कर देंगे और ये ऐसे कंसेप्ट होंगे जो कि आपको बैंक एग्जाम को अंडरस्टैंड uh, करने के लिए उसके कंसेप्ट को जानने के लिए बहुत जरूरी होते हैं ठीक है तो वैसा ही एक कंसेप्ट आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी इसके अंदर काफी सारे शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे तो जब भी आपका कोई एग्जाम आता है अगर आप कम समय में जल्द से जल्द सारे कंसेप्ट को रिविजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियोज आप लोगों को हेल्प करेंगे ठीक है तो फॉलो करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज टू डिजिट इंटरचेंज दोस्तों बहुत बार इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनते रहे हैं टू डिजिट इंटरचेंज ये नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है तो इसके क्वेश्चंस आज हम कि किस तरह से इसको अप्रोच किया जाता है इसका बेस लॉजिक क्या है ठीक है दोस्तों तो जल्दी से जुड़िएगा क्लियर सबसे पहले कंसेप्ट क्या है मैं उस कंसेप्ट पे आप लोगों से थोड़ा बात करता हूं कि इसका कंसेप्ट है क्या होता क्या है जब भी कोई टू डिजिट इंटरचेंज पे बात की जाती है तो बेसिकली इस में होता क्या है वो हम चीज जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से समझिएगा चीजों को दोस्तों बहुत काम की चीजें इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को देखिए कभी भी आप किसी टू डिजिट नंबर जैसे कोई टू डिजिट नंबर ए बी है जिसमें बी आपका यूनिट प्लेस है और ए आपका टेंस है क्लियर है जब आप इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो सपोज इसको लिखा जाता है बी ए के तौर पर तो इस कंडीशन में होता क्या है इफ यू नोटिस जो आपका यूनिट प्लेस था वो टेंस प्लेस बन जाता है unit और के बीच में जो आपका हमेशा, हमेशा नौ का मल्टीपल होगा ठीक है ये बात हमेशा याद रखिएगा तो इस वजह से जब भी किसी टू डिजिट नंबर को इंटरचेंज करके हम एक नया नंबर फॉर्म करते हैं तो उन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा इट विल बी ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ नाइन ठीक है मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं आपको और बेहतर तरीके से चीजें क्लियर होंगी मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं सपोज हमने एक नंबर लिया थर्टी सेवन ठीक है मैं इसको इंटरचेंज करके लिखना चाहता हूं तो मान लीजिए मैं इंटरचेंज करके इसको क्या लिखूंगा सेवनटी थ्री अब देखिए हुआ क्या है आप नोटिस कीजिए पहले ये थर्टी था और ये सेवन था अब ये जो है ये क्या बन गया ये सेवनटी और थ्री बन गया बात समझ रहे मेरा अब देखिए डिफरेंसेज जो क्रिएट हो रहे हैं उसको चेक कीजिए सेवन जो है सेवनटी बन गया

करेक्ट है कि नहीं सेवन से सेवेंटी बना तो देखिए सिक्सटी थ्री आया अ मल्टीपल ऑफ नाइन थर्टी से थ्री बना जो कि अगेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ नाइन और एक बात और इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा मतलब इंटरचेंज करने पे जो नंबर क्रिएट हो रहा है ये डिफरेंस होगा कितना आप नोटिस कीजिए नौ का मल्टीपल तो ठीक है इन दोनों में डिफरेंस थर्टी सिक्स है यानी नाइन इंटू फोर तो ये जो फोर है ये कहां से आ रहा है ये तीन और सात का डिफरेंस है तीन और सात के बीच में चार का डिफरेंस होता है गॉट इट आप किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक नंबर और बता रहा हूं आपको 72 है 72 को इंटरचेंज करके ट्वेंटी सेवन रख देते हैं आर यू गेटिंग इट बात समझ में तो दो और के बीच में कितना डिफरेंस है पांच का डिफरेंस है फाइव का डिफरेंस है तो यानी इन दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट होगा इट विल बी ऑफ फोर्टी फाइव तो इन दोनों के बीच में पैंतालीस का डिफरेंस क्रिएट होगा क्लियर है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में आप देखिएगा कई बार आपको डिफरेंस दे दिया जाता है टू डिजिट नंबर को इंटरचेंज करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिफ्टी फोर आ जाता है क्लियर है आर यू गेटिंग पॉइंट उसके बाद अब होता क्या है अगर आपके पास डिफरेंस है तो आपके पास पॉसिबिलिटी दो नंबर की बनती है अगर पेयरिंग ढूंढ रहे हो आपके पास दो नंबर 72 है कि 27 है ये जानना बड़ा मुश्किल होता है टू डिजिट नंबर में भाई इंटरचेंज तो कर दिया ठीक है 27 को इंटरचेंज करोगे 72 मिलेगा 72 को इंटरचेंज करोगे ट्वेंटी मिलेगा दोनों में ही डिफरेंस है बट माई ओरिजिनल नंबर कौन है ट्वेंटी सेवन है या सेवेंटी टू है ये कैसे जज होता है इसका भी एक तरीका बताता हूं ध्यान से सुनिए देखिए को अगर मैं 27 करता हूं तो ये नंबर डिक्रीज हो रहा है अगर आप नोट करें और अगर मैं ट्वेंटी सेवन को सेवन लिखूंगा तो इस कंडीशन में नंबर इंक्रीज हो रहा है आप ये चीज नोट कीजिए तो याद रखिए इंटरचेंज करने पर जो डिफरेंस हो रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो करते हैं अगर नहीं किया है तो आंसर सी डी हो जाएगा क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी बन के आती है लेकिन अगर उसने कहा है कि नंबर गॉट इंक्रीज बाय फोर्टी फाइव या नंबर गॉट डिक्रीज बाय फोर्टी फाइव तो आपकी क्लैरिटी बहुत क्लियर तो होती है अब तो याद रखिएगा जब आपका यूनिट प्लेस स्मॉलर वैल्यू होती है जैसे सेवन है तो सेवनटी टू में टू यूनिट प्लेस है विच इज स्मॉलर वैल्यू देन सेवन तो इस कंडीशन में नंबर डिक्रीज होता है और जब आपका यूनिट प्लेस ग्रेटर होता है

ये कहता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ट्वेल्व तो दो डिजिट है एट और फोर हो सकता है समझिएगा चीजों को पांच और तीन हो सकता है सॉरी पांच और सात हो सकता है ट्वेल्व चाहिए ना आपको नाइन थ्री एट फोर फाइव सेवन सिक्स सिक्स ठीक है ना तो ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं तो ये सारे नंबर हो सकते हैं अब ये क्या कह रहा है वेन वी इंटरचेंज द डिजिट डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन तो यानी नया नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है भैया इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज कब होता है जब आपका यूनिट प्लेस लार्जर वैल्यू हो ठीक बात है अब देन ओरिजिनल नंबर बाय 18 क्लियर है मेरी बात अब ध्यान से सुनो देखिए दोनों नंबर का सम 12 है और इंटरचेंज करने पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 18 है 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 बाय हाउ मच टू यानी कि दोनों नंबर में जो डिफरेंस है आपस का वो टू होगा बात को समझ रहे हो। 12, 2. तो अब देखिए नंबर इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज होने की कंडीशन क्या थी यूनिट प्लेस शुड बी लार्जर वैल्यू तो इट मीन माईरिजिन माई करेक्ट नंबर वुड बी फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन मेरा आंसर होगा मुझे किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं है एकदम क्लैरिटी से क्योंकि जब आप फिफ्टी सेवन को इंटरचेंज करोगे इट विल बिकम एंड नंबर गॉट चेक कर सकते हो आप मैंने किसी ऑप्शन का सारा नहीं लिया सीधा सीधा नंबरों से निकाला क्लियर हो गई ये बात ठीक है उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिएगा वेन डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज देन इट बिकम 18 मोर तो अगेन वही बात हो रही है एटीन मोर हो रहा है

बड़ी खतरनाक बात बोल रहा है क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इफ अ नंबर एक टू डिजिट नंबर है ठीक है ना क्लियर वो खुद जो है चार गुना है से? The digit, 36. अब ये आपका नंबर इंटरचेंज करने पर इंक्रीज हो जाता है देखिए थर्टी सिक्स नाइन इंटू फोर है, है। यानी आपके दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो फोर का होना चाहिए ये बात क्लियर हो गई हाँ और इससे एक और चीज समझ में आती है आपका जो भी नंबर होगा इट शुड बी बीवन नंबर और मल्टीपल ऑफ फोर होना चाहिए तभी तो वो चार गुना बनेगा भाई पॉसिबिलिटी चार के डिफरेंस वाले नंबर कौन हो सकते हैं और फाइव हो सकता है ये नहीं लेंगे ऑड हो ही नहीं सकता ना भाई थ्री और सेवन भी नहीं हो सकता और uh, क्या नाम है फाइव और नाइन भी नहीं हो सकता बिकॉज दे आर ऑड तो ये तो हो ही नहीं सकते इनको सोचना भी नहीं है अब कौन कौन हो सकते हैं देखिए दो और छ हो सकता है इनमें चार का फर्क है लेकिन इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ फोर ना भाई इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ फोर तो ये गलत है और क्या हो सकता है तो चार और आठ हो सकता है चार और आठ हो सकता है तो चार और आठ आप चेक कीजिए इट्स अ मल्टीपल ऑफ फोर बाई होता है तो इसका मल्टीपल है माई नाइन राइट नंबर वुड बी अब ये मैंने आपको बताया हिट एंड ट्रेल्व अब आपको तो ये अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है कि यार चार का मल्टीपल होगा तो इवन ही होना चाहिए तो यही दो पॉसिबिलिटी आपकी बैठ रही थी तो बस निकालना बड़ा आसान है सो माई नंबर वुड बी फोर्टी एट तो ये तरीका रहता है टू डिजिट के इंटरचेंज नंबर को उड़ाने का ठीक है दोस्तों आई होप ये कंसेप्ट अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पढ़ा होगा अगर आप अभी तक हिडन ट्रायल से जा रहे थे तो इस तरीके को ट्राई कीजिएगा एंड इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल बहुत तेज होता है लिखना कम पड़ता है अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखनी पड़ती है ठीक है तो आई होप आज का ये वीडियो शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा कल हम लोग मतलब अगला जो वीडियो होगा कल तो नहीं जब भी अगला वीडियो अपलोड होगा आपको मिलेगा थ्री डिजिट नंबर के लिए ठीक है ना थ्री डिजिट को जब आप रिवर्स करके लिखते हैं तो उसके कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा तो बने रहें इस चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हैं ठीक है और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके ये बताएं आप और कौन से ऐसे शॉर्ट कंसेप्ट हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो आपके सजेशन के हिसाब से भी आगे हमें वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी ठीक है तो डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो लगा कैसा और आगे और कौन सी चीजें आप जो इसमें देखना चाहते हैं ठीक है तो ये शॉर्ट वीडियोस है इनकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी आप इसको सेव रखिएगा ठीक है और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिएगा सो so, थैंक यू वेरी मच दोस्तों बाय हैव अ ग्रेट डे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में